आज हम सीखने जा रहे हैं ये सिंपल ट्रैवल बैग। अलग अलग प्रकार के ट्रैवल बैग्स हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये पहले बेसिक पूरा समझ ले, कैसे सिलाते हैं, क्या होता है, क्यों कैलकुलेशंस कैसे आते हैं करके। अगर आपको ये समझना आसान हो गया तो बाद में अगर मैं कुछ आपको डिफिकल्ट बैग्स भी दिखा दूंगी तो आपको पिकअप करना आसान हो जाएगा। ये देखिए, इस तरफ एक पॉकेट है, इनर पॉकेट एक है और ये मेन पैनल एक है। देखिए, ट्रैवल बैग के लिए हमें चाहिए ये बड़ा वाला क्विल्टेड पीस। ये सिंगल पीस में बन रहा है, ये अभी पहला ट्रैवल बैग मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके लिए सिंपल वाला दिखा रही हूँ। इसके बाद में हम लोग एडवांस वाला, मैं जैसे थोड़ा सा टफ या पैटर्न वाला बाद में देखेंगे। ये पहला है तो 20x40 लिया है, 20x40, और इसमें दो साइड के पॉकेट्स लगे हुए। यहाँ पे हम लोग का ये साइड पैनल है जो कि ये इसके लिए दो काटे हैं, 10x10 के काटे हैं, और दोनों इसमें मैं एक में मैं बाहर से जिपर लगाऊंगी, एक में मैं अंदर से जिपर लगाऊंगी। इसके लिए दोनों में ये लाइनिंग लगेगा 10x10 का, और एक फ्रंट पॉकेट है जो मैंने 9x8 का काटा है। 9 मेरे को ऐसे चाहिए और लंबाई में 8 चाहिए। इसमें भी पॉकेट लगेगा, इसके लिए इसमें जिपर मुझे लगेगा एक 9 इंचेस का और दो 10 इंचेस के, और एक लंबा वाला यहाँ से यहाँ तक का 20 इंचेस का। इसमें बेल्ट लगेगा। बेल्ट का काउंटिंग कैसे होता है मैं आपको दिखाते हुए बता दूंगी कि कितना लगता है एक्चुअली, क्योंकि मैंने पहले नहीं काटा है। तो ये देखिए हमको मार्किंग कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लोग सेंटर मार्क करेंगे। देखिए 40 इंचेस का है तो 20 पे मैं सेंटर मार्क करूंगी, यहाँ से और यहाँ सेंटर मार्क करूंगी। इसको अभी इसमें से 5 इंच बेस का दोनों तरफ से जाएगा, इसका मतलब 10 इंचेस का बेस है। यहां से 5 और यहां से 5, दोनों जगह से मैं मार्क कर रही हूँ क्योंकि बाद में आपको पीस लगाने के काम आएगा। ये देखिए, और इसको मैं ज्वाइन कर रही हूँ। ये 10 इंचेस का बेस हो गया। उसके बाद में अगला 10 इंचेस जो है वो फ्रंट है और बैक है। देखिए ये फ्रंट, एक जगह फ्रंट और एक जगह बैक। फिर आगे बचा हुआ ये जो है ये ऊपर से बीच का पैनल हो जाएगा। ये जैसे बेस में जाएगा, ये ऊपर का टॉप का इसमें आता है, जिपर पैनल में आता है। ये 5x5 इंच का हो जाएगा। ये देखिए ये 5 इंच का, यहाँ से 10 इंचेस। पहले हमको ये डिवाइड कर लेना है। आपको अगर ये इसका लेंथ ज्यादा चाहिए, ये अगर ज्यादा चाहिए तो आप बेस में कम कर लीजिएगा, आपको जैसे समझिए। थी ये फिलहाल मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मार्किंग करने के बाद हम लोग इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, बेस से ऊपर का हिस्सा, मतलब ये 5 इंच इस तरफ है, यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अगर फ्रंट है तो फ्रंट पॉकेट कहाँ पे प्लेस करना है, मैं फिलहाल आपको सब बस प्लेसमेंट दिखा रही हूँ। ये देखिए मार्क करके रखते हैं तो फिर हम लोग को आसानी हो जाएगी। देखिए 20 इंचेस है तो 10 इंचेस का सेंटर है और इसका सेंटर। अभी ये लगा नहीं रही क्योंकि ऊपर में पैर को पहले जिप लगाना है और यहाँ पे मेरे को फोल्डिंग भी करना है, वो मैं सब बाद में करूंगी। आपको जस्ट मैं प्लेसमेंट दिखाती हूँ क्योंकि मशीन पे ये इतना बड़ा दिखाना पॉसिबल नहीं है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर मशीन पे फिक्स लगा दूंगी। 9 इंचेस यानी ये यहाँ पे हम लोग कैसे प्लेस करेंगे, यहाँ पे इसको पहले फोल्ड करके हम लोग
ऐसे प्लेस करने वाले हैं, और सिलाई बस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं और ऊपर का जिप लगाने के बाद ऊपर करने वाले हैं, साइड में हम लोग सिलाई नहीं करेंगे। और ये सिलाई ये फिक्स होने के बाद हम लोग बेल्ट लगाने वाले हैं। बेल्ट का कैसे लगाते हैं वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। बेल्ट सेंटर से शुरू होगा, सेंटर से 4 इंच इस तरह बेल्ट का, ये 20 इंच है, 10 इंच पे मार्क किया, 4 इंच इस तरफ और 4 इंच इस तरफ। तो इसको पहले लाइटर से जला लेना है, फिर यहाँ पे ही हम लोग प्लेस करेंगे। ये देखिए ये इसके नीचे आ जाएगा, ये 5 इंच इस तरफ, यहाँ से 8 इंच, और बाद में यहाँ से 28 इंच मैं गिनूंगी कितना है करके, बाद में वो प्लेसमेंट इस तरफ आएगा। फिर यहाँ पे 8 इंच, 8 के बाद ये कंटिन्यूस 10 इंच, फिर ये बैक पैनल का 8 इंच, फिर से 28 इंच लगा के यहाँ पे आएगा। इसका मतलब बॉडी का 8, 10 और 8, यानी 26 इंच यहीं पे हो गया, और 28 और 28 उस हिसाब से काउंटिंग होगा यहाँ पे। देखिए छब्बीस का 2 बार इस तरफ, 26 इस तरफ 26, और 28 2 बार, ये 108 इंच लगेगा। तो 108 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे फोल्डिंग वगैरह में अगर लग फाइनल टर्न होके आता है तो फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा लगता है, इसके लिए 109 इंच का काटूंगी। लेकिन मैं लगाने के टाइम काटती नहीं हूँ, पूरा लगाने के बाद ही ये जितना भी एडिशन होता है उतना काट देते, क्योंकि थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो गया तो फिर से वो सिलाई करना है। इसके लिए मैं स्टार्टिंग में रोल से ही सीधा लगा लेती हूँ। तो अब मैं मशीन पे दिखाती हूँ आपको। ये साइड पैनल का जो पीस है इसमें मैं बाहर की ओर जो जिप है वो दिखा देती हूँ। मीन्स जस्ट मैं सिलाने का नहीं दिखाती हूँ, जस्ट कटिंग करके कैसे फिक्स करती हूँ वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये 10 इंच का है, हम लोग ऊपर से 2 इंच का काटेंगे। अभी 9 इंच की जिप लेके जिप हमको उल्टी तरफ रखनी है। ये सीधा कपड़ा है, ये सीधा जिप है जो हमको नीचे रखना है, और इसको सिला के बाद में उल्टी तरफ से हमको दाब सिलाई करनी है। ये जब ऐसे आएगा तो हमको उल्टी तरफ से ये दबा के यहाँ पे दाब सिलाई करनी है, और वो होने के बाद हमको इस तरफ का कपड़ा, ये देखिए फिर ऐसा हो जाएगा लुक इसका, ऐसा आ जाएगा ये। तो उसके बाद में इस कपड़े पर ये हमको उल्टा रखना है, यहाँ पे सिलाई करके ये उल्टा करके पीछे की ओर से दाब सिलाई करनी है। दाब सिलाई हम लोग को इसके किनारे पे करते हैं हम लोग। ये देखिए जिप लग गया है, रनर भी डाल दिया है। अब ये 10x10 का जो पीस काटा है उसको इसके ऊपर रख के हमको सिलाई करनी है। ये मैं सिलाई कर देती हूँ, और आपको दूसरा हिस्सा ये है, दूसरा पॉकेट है जिसको हम लोग बाहर से नहीं अंदर की ओर से लगाएंगे। ये हम लोग क्या करेंगे, ये भी 10x10 का पीस था, इसमें से मैंने ऊपर से 2 इंच का मेजरमेंट रख के काटा है। इसमें भी वैसे ही जिप लगाऊंगी, रनर डालूंगी, उसके बाद में ये साइड का पीस काटूंगी। तो ये जिप अंदर की ओर से हो जाएगी, सिक्योरिटी पॉकेट हो जाएगा आपका, और वो बाहर से कुछ आपको चीज़ें रखनी है उसके लिए पॉकेट हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ों के बाद हम लोग फ्रंट पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट को मैं सबसे पहले नीचे से फोल्ड कर देती हूँ, और नीचे का पोर्शन कौन सा है वो पहले देखना है हमको। 9x8 का पीस है, हमको हॉरिजॉन्टली ये 9 चाहिए, लंबाई में ये सिर्फ 8 इंच चाहिए हमको। ये देखिए ये 8 इंच है, तो हमको यहाँ पे फोल्ड करना है, और यहाँ पे हमारा जिपर आएगा। यहाँ पे जस्ट एक फोल्ड करना है क्योंकि वो उसके ऊपर सिलाई आ जाएगी।
ओके यहाँ पे सिल गया है। अभी यहाँ पे हमको जिप लगाना है, जिप के हम लोग पहले से काट के रखेंगे तो कम ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा हो गया तो भी उसमें भी फर्क पड़ जाता है। इसके लिए आप भी कोशिश कीजिएगा कि जिप को सिलाते वक्त काटिएगा तो आपका वेस्टेज नहीं होगा जिप में। जितना जिप चाहिए उतना काट लिया, अब इसको दाब सिले। हो गया, अब ये पीस हम लोग नीचे एक सिलाई करनी है, ऊपर एक सिलाई करनी है। ये देखिएगा, ये हम लोग का ऊपर का 5 इंच का पोर्शन मैंने मार्क किया था, जो ऊपर का जिपर पैनल में आएगा ये फ्रंट में आएगा, तो इसका ये सेंटर मार्क किया है। कैसे मार्किंग कर देती हूँ मैं, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, 10 इंच पे मार्क किया है। तो 10 इंच के यहाँ पे मुझे अभी यहाँ से 9 इंच का हम लोग का ये पीस है, और जबकि हम लोग का बेल्ट आएगा 8 इंच पर, तो मैं इधर ही बस ये प्लेस कर दूंगी, पॉकेट प्लेस कर दूंगी यही लाइन पे। इसके लिए मैंने इस तरफ से लेफ्ट टू राइट लाइन खींच ली है। देखिए अभी यहां से ऊपर 8 इंच तक मैं मार्क करूंगी, क्योंकि हमारा पॉकेट 8 इंच का है। इसमें भी हम लोग सीधा लाइन डालने से पहले, सिलाई करने से पहले हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि वो आसान हो जाएगा। ये देखिए सेंटर का मार्किंग, यहाँ से 4 इंच इधर, 4 इंच इधर। अभी ऊपर मैं जिप इसी को लगा के सिला दूंगी, तो नीचे के पोर्शन में हम लोग ने सिलाई की है तब वो कम हो जाता है, जब जिप लगाते हैं तो एडिशन हो जाता है। इसके लिए देखिए मार्किंग कर लिया, अभी पॉकेट में इसी के ऊपर रख के लगाऊंगी, लेकिन ये साइड का लाइन, इससे हमारा पॉकेट बाहर आने वाला है, क्योंकि हम लोग ने 9 इंच का काटा है, वो बेल्ट के नीचे जाएगा, तो हमको सेपरेटली उसके लिए सिलाई नहीं करनी पड़ती और वो मजबूत हो जाता है पॉकेट। जो 9 इंच का है वो हम लोग 4.5 इंच पर यहाँ पे मार्क कर देंगे, ऊपर की तरफ भी 4.5 पे मार्क कर दिया, और फिर 4 इंच ये हम लोग सेंटर से रखेंगे, ऐसे ऐसे रख के यहाँ पे सिलाई करेंगे। ये पूरा पैक हम लोग करेंगे, ऊपर का एक लाइन पे सिलाई करेंगे और नीचे का हम लोग इसके ऊपर ही रख के सिलाई करेंगे। ये जो मार्किंग है यहाँ इसके ऊपर सिलाई करेंगे, और ये स्ट्रेच करके जहाँ पे भी प्लेस होता है वहाँ पे सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले बॉटम लाइन, सेंटर से सेंटर मार्क कर लिया, इसीलिए मैंने ये पहले ही फोल्ड कर दिया। इसके रॉ एजेस बेल्ट के अंदर चले जाएंगे। क्योंकि ये फैला के जितना आगे जाता है उतना वो आधा इंच आगे ही जाता है, क्योंकि वो जिप पूरा लगने के बाद यहाँ पे भी मैं बस यहीं पे ध्यान दे रही हूँ कि सेंटर कहाँ पे आया है,
उतना ही ध्यान देखिए, मैं देखिए सिलाते वक्त आप इसको फोल्ड करके मीन्स आसानी हो जाएगी आपको। अब ये लाइन पे मैं सिलाऊंगी, इस बार हम लोग ने ये इस टाइप का पॉकेट लगाया है, अगली बार हम लोग अलग टाइप का बॉक्स पॉकेट वगैरह होता है वो सब अलग अलग टाइप्स के सीखेंगे। ये पहले वाला सिंपल है इसके लिए, अभी यहाँ पे ये ओपन है, मैंने अभी तक बेल्ट नहीं लगाया, अभी बेल्ट लगाने के बाद ये भी फिक्स हो जाएगा। मार्किंग करके सीधा बेल्ट लगा दूंगी, देखिए यहाँ 8 इंच का मार्किंग यहाँ पे है, तो मेरे को अभी जस्ट वहां से मार्किंग देके यहाँ पे डायरेक्ट मार्क करना है 8 इंच पे। बेल्ट को देखिए हमेशा जला के ले लीजिएगा ताकि वो रेशे ना निकले। इसी के ऊपर ये सिलाई आने वाली है। यहाँ पे जो सेंटर है वहीं पे मैं प्लेस कर रही हूँ। सिर्फ सिलाई करते हुए ध्यान रखूंगी कि मैं ऊपर की ओर ब्लैक लगाऊंगी। यहाँ तक सिला दिया तो भी मैं ये यहाँ पे बॉक्स बना के नीचे तक जितना है उतना सिल दूंगी और बाद में इस पोर्शन पे आ जाऊंगी। जहां तक है वहां पे मैं सिल दूंगी। अभी हमको ये 28 इंच में छोड़ रही हूँ, ये आपका अपने ऊपर है आपको कितना लेंथ छोड़ना है एक्चुअल हैंडल के लिए। आपको 28 छोड़ना है, 30 छोड़ना है, कितना आपका हाइट के अनुसार आप रख सकते हैं। देखिए मैं 28 इंच मैंने मार्क कर लिया है, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। ये सिर्फ देखूंगी कि ये सीधा है ना, प्लेस प्लेन हुआ ना, यहाँ पे प्लेस करके फिर ये अभी नीचे तक सिलाना है। पूरा मार्किंग कर पहले मार्क कर लेने का और बाद में नीचे तक सिलाने का है, उतना मैं सिलाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने मार्क किया हुआ है इसी प्रकार, अभी यहाँ पे प्लेस करूंगी एग्जैक्ट ये जहाँ पे है वहीं पे प्लेस करूंगी। ये देखिए से जिप भी लॉक हो गया हमारा, साइड की स्टिचिंग भी आ गई। फर्स्ट स्टिच जाते हैं तो लॉक कर लेने का, ये देखिए फ्रंट से लेकर बैक तक और बेस तक पूरा का पूरा एक सिंगल बेल्ट लगा हुआ है, सिर्फ हमारा सेंटर पे जॉइन हुआ है आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे सेंटर पे मैंने ज्वाइन किया है और इसमें दोनों तरफ से सिलाई लगी हुई है, यहाँ पे भी सिलाई लगी है, यहाँ पे भी सिलाई लगी है और ये दो नहीं सेंटर में भी लगी हुई है। देखिए यहाँ पे उधर नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे दिख रही है, देखिए बेल्ट के इस तरफ भी सिलाई है, बेल्ट के इस तरफ भी सिलाई है और ये मजबूती और बढ़ाने के लिए मैंने एक सेंटर में भी सिलाई मार्क की है। तो पूरी तरह से मीन्स कहीं पर भी बेल्ट कहीं पर खुलने का कुछ भी होने का चांसेस नहीं है, एक बार सिला दिया तो आपको लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अभी हम लोग इसके साइड पैनल्स लगा देंगे। हम लोग बाहर से पाइपिंग करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग उल्टे के ऊपर ये उल्टा कपड़ा ऐसे रख के करेंगे तो ताकि ये रॉ एजेस सारे बाहर की ओर निकलेंगे और हम लोग उसको रेडीमेड वाला पाइपिंग करेंगे। और ये देखिए इसको इनर जिप लगा हुआ है,
तो इसका सेंटर हम लोग ने निकाला था 20 पर, उससे 5 इंच इस तरफ, 5 इंच इस तरफ, क्योंकि ये 10 इंच का है, तो हम लोग वैसे ही ये प्लेस कर देंगे। मैंने मार्किंग करके रखा है, देखिए ये बेस का 10 इंच, देखिए यहाँ से पॉकेट का मार्किंग है। मैं यहाँ पे ये कॉर्नर से शुरू करती हूँ, पूरा एज देख मुझे टर्न करना है, फिर इसके यहाँ पे जो सिलाई शुरू की है मैंने, इंटरसेक्शन है वहाँ पे, वहीं से मैं सिलाना शुरू करती हूँ, वो टर्न करने के लिए वो जगह छोड़ती हूँ, उल्टे के ऊपर, उल्टा अंदर है, ये सीधा बाहर, यहाँ से सीधा बाहर, एज से सिला रही हूँ, तो पूरा एज में यहाँ सिलाई जहाँ की है वहीं से, क्योंकि वहाँ टर्न करना है मुझे। यहाँ पे भी एंड आने से पहले मैं रुक गई, इसके बाद सुई अंदर ही रखी है, और ये कपड़ा मैंने ऐसे करके टर्न कर दिया, और अब ये कॉर्नर से टर्निंग की वजह से ये कपड़ा एज में एक कम दिखाई देता है, क्योंकि वो टर्न की वजह से वो थोड़ा सा कपड़ा एक ही कॉर्नर में एक ही जगह इस्तेमाल होता है। आपको जो 5 इंच ये कम हो गए, वो हम लोग बाद में लास्ट में एडजस्ट करेंगे, इसीलिए अभी हमने ऊपर की ड्रेस लगाई हुई नहीं है। देखिए वहां पे जितना एक्स्ट्रा हुआ उतना ही एक्स्ट्रा होगा, ये भी हमको कटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये कैसे लगाते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे भी मैंने पूरा एज ये नहीं किया है, जहाँ पे इंटरसेक्शन लाइन है वहीं पे किया है, कॉर्नर तो टर्न करने के काम आता है इसके लिए, वरना एज पे एकदम एडजस्टमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी डबल सिलाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी पाइपिंग की 2 सिलाई आने बाकी है, एक साइड मेरा हो गया, ये जिपर अंदर चला गया, अभी मैं दूसरा साइड भी लगा लेती हूँ, उसके बाद में हम लोग ये ऊपर का है जो अभी इस बार का रॉ है, हम लोग अंदर फोल्ड करके ही हम लोग जिप को लगाने वाले हैं, ताकि ये रॉ एजेस बीच में ना आए, और ये जो हमको 5 इंच का जो एक्स्ट्रा आता है कॉर्नर्स की वजह से, वो हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए दूसरी ओर का मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए पूरा सेंटर कर लिया मैंने, सेंटर से 5 इंचेस और उसके आगे 10 इंच, वैसे ही वहाँ पे मार्क किया, इसका मतलब ये देखिए ये वाला 10 इंच इस पोर्शन में बैठेगा, और यहाँ से इसका सेंटर जो आएगा 5 इंच का वो इसमें फिक्स होगा। देखिए ये 10 इंच का, ये टोटल 30 इंच का हो जाता है, इस तरफ 15 उस तरफ 15, ठीक है। और इनर और आउटर दोनों लगाते वक्त ध्यान रखिएगा, ये जिप जो है ऊपर की तरफ आएगा, और ये यहाँ रखना है, अंदर की ओर भी रखने का टाइम याद रखने का कि जिप ऊपर की ओर पोर्शन आएगा, वरना लगा देंगे तो फिर से उधेड़ना ही पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पे आएगा, लगाते वक्त बस थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसा तैयार हो गया अभी हमारा, हमको ये फोल्ड करना है, क्योंकि इसके बीच में मुझे और जिप भी आएगा तो और स्ट्रेच हो जाएगा, इसके लिए मैं ये डबल फोल्ड पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि जिप मुझे यहाँ बैठना है, और जिप के लिए एक पोर्शन आता है, और आज मैं आपको ऐसे दिखा दूंगी जैसे कि जिप हमको हार्डली कुछ मीन जितना जिप का वो पोर्शन है ना उतना ही दिखाई देगा, बाकी सब कैसे कवर होता है वो भी दिखा दूंगी। डबल फोल्डेड सिलाई
इनके रॉ एजेस छुप जाएंगे सारे एजेस में। ऐसे करने से क्या होता है कि आपके रॉ एजेस भी छुप भी गए और प्लस आपका कपड़ा भी अच्छे से प्रोटेक्ट हो गया। ये साइड में भी हमारा सारा पाइपिंग आने वाला है। ये दूसरी तरफ भी मैं ये करती हूँ, बाद में जिप लगाना दिखाती हूँ। देखिए मेरा वो ये डबल से ये करके फोल्ड करके हो गया है। अभी ये जिप अभी भी मैंने देखिए काटा नहीं है, ये 20 इंच का लगेगा लेकिन मैं लगाने के बाद ही काटूंगी। अभी इस बार देखिए कैसे लगाऊंगी मैं जिप आपको। ये जो है ना ये सिलाई जो है मैं इसी के ऊपर स्टिच करने वाली हूँ। ये देखिए जितना ये छुप सकता है ये ऊपर कर रही हूँ मैं। मीन्स जिप हार्डली आपको दिखेगा। ये देखिए मीन्स जितना मेरा जिपर फुट है जितना डिस्टेंस जा सकता है उस हिसाब से मैं रख रही हूँ। ये दूसरा भी मीन्स हार्डली हमको ये जिप दिखेगा। और अभी इसको दाब सिलाई कर दूंगी। जहां तक ये है ये मैं दाब सिलाई कर दूंगी। देखिए मुझे इस तरफ का सिलाई करना है तो अभी ऐसे तो मैं सिलाई नहीं कर सकती हूँ ना, तो इसके लिए मैं ये पूरा जिप खोल रही हूँ। अभी ये इस तरफ का करूंगी, उसके बाद में हम लोग दोनों तरफ से रनर डालेंगे क्योंकि ये मेन पैनल है तो इसका यूजेज ज़्यादा होता है। तो कहीं जिप खराब हो गई तो भी एक अल्टरनेट रनर हो, इसके लिए हम लोग दो रनर डालते हैं। ये वैसे ही एकदम जिप के करीब से लेके मैं पहले वाले सिलाई के ऊपर ही सिलाई करूँगी। ये देखिए दो रनर डल गए हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गया है, मीन्स थोड़ा सा ही दिखता है, ऊपर पूरा कवर हो गया है ये और अंदर से दाब सिलाई वगैरह लग गई है। आपको याद होगा मैंने सिलाते वक्त ऊपर से थोड़ा कॉर्नर छोड़ने को बोला था। देखिए दोनों तरफ से वो क्यों कॉर्नर छोड़ने बोला था मैं अब बताती हूँ आपको। ये देखिए अब मुझे जब ये टर्न करके ये सिलाना है, ये जैसे ये बेस है ये ऊपर का पोर्शन जिपर पैनल है। ये देखिए जब मैं ये यहाँ पे सेंटर पे फिक्स करती हूँ, यहाँ पे देखिए हमें मार्क कर लिया था ना, तो मैं सेंटर पे यहाँ जब फिक्स करती हूँ ये देखिए ये कितने अच्छे से ये, वरना यहाँ अगर मैंने सिलाई कर दी होती कॉर्नर तक तो ये मुझे एंड पे यहाँ पे करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी बराबर यहाँ से सिलाई करके देखिए ये ओपन होने की वजह से मुझे ईजी होता है। ये ऐसे पकड़ के यहाँ पे सिलाई कर देना है दोनों तरफ से, उसके बाद में पाइपिंग करना है। हमारा ये बैक फिनिश हो जाएगा उतना ही। अब ये बस दोनों साइड से साइड जॉइन करना है और ये रॉ एजेस हमको रेडीमेड जो वाला मैंने जो आपको पाइपिंग लास्ट टाइम बताया था बैकपैक में वही लगा के मैं ये बैक फिनिश करती हूँ और आपको बाद में फाइनल पैक दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारा बैग तैयार हो गया है। देखिए ये पूरा रेडीमेड पाइपिंग लगा दिया है। यहाँ पे एक आउटर पॉकेट हो गया है। देखिए अंदर देखिए कितना सारा उसमें आप सामान भर सकते हैं। एक सेफ्टी पॉकेट है और एक फ्रंट पॉकेट और बेल्ट पूरा नीचे से है, इसके लिए कितना भी वजन हो आपका कैरी कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।